हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। और जैसा कि आपको दिख रहा है, तो आज आलू के पराठे का प्रोग्राम है, तो आप लोग भी देख लीजिए कैसे बनाते हैं हम। तो ये मैंने चार आलू उबाल के ले लिए हैं, और इनको मैं थोड़ा सा ये रफली मैश कर लूँगी। आलू अच्छे से उबले होना चाहिए, और हेल्प लगे तो आप हाथ से भी इनको साफ़ कर सकते हैं। और ये हैं हमारे मसाले, इसमें मैंने डाला है, ये है गरम मसाला, आधा चम्मच, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और ये 1.5 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, और ये है अमचूर पाउडर जो कि मैंने लिया है 1.5 चम्मच। आधा चम्मच मैंने यहाँ पर ली है सौंफ, 1 मिर्च कटी हुई, ये ऑप्शनल है, आप लोग डालना चाहें तो डालिए, वरना अगर तीखा कम खाते हैं तो आप लाल मिर्च अकेला डालिए। और ये है धनिया, और इसके बाद डलेगा हमारा नमक। तो इन सब चीज़ों को अब मैं इसमें डाल दूंगी। सारे मेरे मसाले मिक्स हो गए हैं, और ये है नमक, नमक भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। और अब इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप हाथ की हेल्प से भी कर सकते हैं इसको मिक्स, क्योंकि मैशिंग अच्छे से हाथ से ही होती है। तो अब मैंने ये आटा गूंथ लिया है, और इस आटे की मैंने पेड़ा बना लिया है, और छोटी सी मैं इसकी एक, बहुत ज़्यादा बड़ी रोटी तो नहीं बनाऊंगी, छोटी सी इसकी रोटी बना ली हूँ। और इसमें अब मैं भर दूंगी ये अपना मसाला जो भी मैंने बनाया है, और बस इसको हम अच्छे से चारों तरफ से इसको हम ऐसे फोल्ड कर देंगे, और इसका शेप गोल होना चाहिए बस, और हल्के हाथ से बिल्कुल इसको हम बेलेंगे। टाइप से किनारे जो फट गए हैं हम हाथ से ठीक कर देते हैं, और इसको अब हम ले जाएंगे हमारे तवे के ऊपर। तो अब ये हमारा दूसरी साइड से भी पराठा सिक चुका है। गैस को हम स्लो ही रखेंगे। और इस तरीके से हमारा जो आलू का पराठा है अच्छा कड़क सिक के तैयार हो गया है। तो गर्मा गर्म हम अब इसको सर्व करते हैं। ये देखिए, है ना मज़ेदार देखने में, खाने में भी उतना ही टेस्टी है। तो भाई मैं तो चली इसको खाने, आप लोग भी एंजॉय कीजिए।